हेलो एवरीवन, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई, जिसे आप अपने घर में रखे हुए कुछ सामान से ही फ्रेंड्स बना सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मैंने इस मिठाई को बनाया है मलाई के जो घी बनते हैं, मलाई से जो हम घी बनाते हैं उसी के खुरचन से हमने बनाया है। ये देखिए, बहुत ही सॉफ्ट, मुँह में घुल जाने वाली मिठाई। तो इसके बाद आप कभी भी खुरचन को फेंकेंगे नहीं, अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तब। तो ये देखिए, हमने मलाई से घी बना लिया है और घी को डिब्बे में छान कर रख लिया है, और ये उसमें जो खुरचन निकलती है वही है। तो इसे फिर से हम गैस पर रखेंगे और इसमें अब हमें डाल देना है आधा ग्लास के करीब दूध। ये देखिए, हमने डाला है आधा ग्लास से थोड़ा सा ज़्यादा है, ग्लास बहुत छोटा सा है ये है। तो दूध डालने के बाद हम इसे पकाएंगे। तो दूध आप और भी ले सकते हैं, हमने थोड़ा सा ही लिया है, इससे थोड़ी सी ही मिठाई बनेगी, बहुत ज़्यादा नहीं बनेगी, लेकिन लगभग आधा किलो तो मिठाई बनकर तैयार हो ही जाएगी। तो दूध डालने के बाद इसे हम पकाएंगे। तो जैसे ही हम इसमें दूध डालेंगे ना, दूध फट जाएगा, ये देख सकते हैं आप। तो ये बिल्कुल जैसे कलाकंद वाली मिठाई बनती है दानेदार, वैसे ही बन जाएगी। उसके बाद हमें ले लेना है मिल्क पाउडर। तो हमने जो 10 रुपये वाला छोटा सा पाउच आता है वही वाला इस्तेमाल किया है, आप और भी डाल सकते हैं। बस इतने से ही बहुत ही बढ़िया मिठाई बनकर तैयार हुई थी फ्रेंड्स। जो महंगी वाली मिठाई बनती है बिल्कुल वही टेस्ट आप इसमें पा सकते हैं। तो अब हम इसमें डाल देते हैं चीनी। तो चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो हमने 4 से 5 चम्मच खाने वाले चम्मच से ही डाला है, और बहुत ही परफेक्ट मिठाई बनकर तैयार हुई थी, ना ज़्यादा मीठी और ना ही कम। तो आप भी इस तरीके से बना सकते हैं फ्रेंड्स। अगर एक बार बना लेंगे तो बार बार आप इसी तरीके से जब भी आप घी बनाएंगे अपने घर पे, तो खुरचन को फेंकेंगे नहीं, ऐसे ही बनाकर खाएंगे, इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। तो मिल्क पाउडर डालने के बाद अच्छी तरीके से मिक्स करना है, और मिक्स करेंगे इस तरीके से, जब छींटे उठने लगेंगे तो हाथ पर पड़ने लगते हैं, तो हम इसे ढककर इस तरीके से चलाते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। और अब हम इसमें डाल देते हैं घी, और घी डालने के बाद फिर से इसकी भुनाई करेंगे। तो इतनी ज़्यादा सौंधी सौंधी सी इसमें टेस्ट हो जाएगा, जैसे कि बिल्कुल चॉकलेट की तरह आपको खाने में लगेगा, बिल्कुल सौंधा सौंधा सा टेस्ट आता है। तो घी डालने के बाद अच्छी तरीके से हमें इसकी भुनाई कर लेनी है, लगातार चलाते हुए हम इसे भुनेंगे, और बिल्कुल इसमें नमी ना हो इस बात का हमें ख्याल रखना है। आप देख सकते हैं बिल्कुल इसमें मॉइस्चर नहीं है, इस तरीके से ये हो गई है, और हम लगातार चलाते रहते हैं तो इसकी वजह से ये बिल्कुल सॉफ्ट बनकर तैयार होती है। अब ये रेडी हो गई है, आप देख सकते हैं इसी तरीके से हमें तैयार करना है। और इसका कलर भी आप देख सकते हैं फ्रेंड, बहुत ही टेस्टी लग रही है देखने से, और खाने में तो वाकई बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। आप इसे ट्राई ज़रूर कर सकते हैं, बिना किसी झिझक के आप इसे ज़रूर बनाइएगा। आप ये मत सोचिएगा कि कैसी बनी थी, बहुत ही अच्छी बनेगी आपकी मिठाई, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा पुरानी मलाई ना हो। तो हमने 10-15 दिन की मलाई इकट्ठा की हुई थी, और वो भी फ्रिज में स्टोर करके रखा था, उससे हमने घी बनाया है, तो उसकी वजह से इसका जो खुरचन है वो उस भी बिल्कुल फ्रेश था। तो अब हम इसे जमा लेते हैं और 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं इसे। अब इसके ऊपर आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स लगा सकते हैं, मैंने थोड़ा सा नारियल के लच्छे लगा दिए हैं ये इस तरीके से, और जिससे कि देखने में थोड़ा सा और भी टेस्टी लगे। आप इसके ऊपर बादाम, काजू, पिस्ता, जो भी लगाना चाहें लगा सकते हैं। और मैं अभी इसे कट कर लेती हूँ, आधे घंटे के लिए मैंने इसे छोड़ दिया था, और बहुत ही सॉफ्ट मिठाई बनकर तैयार हुई है। आप बिल्कुल इसमें मार्केट वाला टेस्ट पाएंगे, जैसे कि मार्केट में मिलती है मिठाई, खुद पर आपको यकीन नहीं होगा कि आपने घर में इतनी टेस्टी मिठाई बनाकर, वो भी कितने कम सामान से तैयार कर लिया है। तो फटाफट से अब हम इसे काट लेते हैं, और हम आपको बिल्कुल पास से दिखाएंगे, तो आप इसे ज़रूर देखिएगा। देखने के बाद आपको बिल्कुल अंदाजा हो जाएगा कि कितनी ज़्यादा ये टेस्टी बनी होगी। और ये देखिए, इसमें घी कितना दिख रहा है, और घी की वजह से ही बहुत अच्छा टेस्ट इसमें आता है। देखिए, बिल्कुल फ्रेश मिठाई अपने घर पे आप बना सकते हैं, और मैं आपको तोड़ के दिखा दूँ कितनी ज़्यादा सॉफ्ट बनी है, ये देखिए। तो इसे ट्राई करना तो बनता है। इसके बाद अब आप कभी भी मलाई के खुरचन को फेंकेंगे नहीं, इस तरीके से यूज कर लेंगे। तो फाइनली आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी मिठाई घर पर ही बनकर तैयार हुई है, वो भी बिल्कुल कम सामान से, बहुत ही सस्ते में, और महंगी मिठाई बनकर तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी।